हेलो फ्रेंड्स, आरएस साइंस एजू में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। दोस्तों, हमारे सराउंडिंग तरह तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जो कि हर प्रजाति एक दूसरे से किसी न किसी तरह से अलग होते हैं। हर जाति का अपना अपना अलग फीचर होता है, उसी को लेकर हम वनस्पति को वर्गीकृत करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए तो शुरू करते हैं। दोस्तों, वनस्पति एक ऐसी प्रजाति है जिसे प्रोड्यूसर कहा जाता है, क्योंकि जो भी हमारी प्राइमरी नीड है, जैसे कि फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ, हमें इन्हीं से मिलते हैं। इसके अलावा फूल, फल हमें इन्हीं से मिलते हैं। इस वीडियो में हम प्लांट को कैसे क्लासिफाई किया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, प्लांट को मुख्य तौर पर दो वर्गों में रखा जाता है। एक वर्ग है जो कि स्पोर प्रोड्यूसिंग और दूसरा सीड बेयरिंग। स्पोर बेयरिंग प्लांट्स ऐसा ग्रुप है जो कि स्पोर प्रोड्यूस करता है सीड के अलावा। इसे क्रिप्टोगैम्स भी कहा जाता है। इसके उदाहरण है फर्न, मोसेस एंड अल्गी। क्रिप्टोगैम्स में थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरोफाइट्स, ये तीन ग्रुप आते हैं। इसके अलग अलग अपने अपने अलग अलग फीचर होते हैं। प्लांट्स का दूसरा वर्ग है सीड बेयरिंग प्लांट्स, जो कि सीड प्रोड्यूस करता है। इस ग्रुप को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ सीड कोट और प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्लावर। एक वर्ग है जिम्नोस्पर्म और दूसरा वर्ग है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को फिर से दो भागों में विभाजित किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉटिलेडॉन्स। पहला वर्ग है मोनोकॉटिलेडॉन्स और दूसरा वर्ग है डाइकॉटिलेडॉन्स। इन्हीं की डिटेल में चर्चा करते हैं। स्पोर बेयरिंग प्लांट्स। स्पोर बेयरिंग प्लांट्स आर अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एंड नॉट बाय सीड्स। स्पोर इज अ रिप्रोडक्टिव सेल कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इंटू न्यू इंडिविजुअल विदाउट फ्यूजन विद अनदर रिप्रोडक्टिव सेल। एग्जाम्पल अल्गी, फंजाय, लाइकेन, फर्न्स, मॉसेस एंड बैक्टीरिया। स्पोर बेयरिंग प्लांट्स की कुछ एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल फर्न। फर्न इज अ स्पोर बेयरिंग प्लांट्स। मोसेस, अल्गी एंड फंजाय। सीड बेयरिंग प्लांट्स ऐसा वर्ग है जो कि सीड प्रोड्यूस करता है। इन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म आर अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड एंजियोस्पर्म इज अ फ्लावरिंग प्लांट्स। जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड एंड एंजियोस्पर्म सीड इंक्लोज इन सीड कोट और इन फ्रूट्स। इन जिम्नोस्पर्म सीड नॉट कंटेन विद इन ओवरी और फ्रूट्स। एग्जाम्पल जिम्नोस्पर्म साइकस, पाइनस, थुजा। एंजियोस्पर्म एग्जाम्पल मैंगो, कॉटन, मेज, कोकोनट एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ एंजियोस्पर्म जो कि फ्लावर प्रोड्यूस करता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। नेकेड सीड, दे डू नॉट हैव आउटर कवरिंग और शेल अराउंड देयर सीड। दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर। सम हैव अ नीड लाइक लीव्स और स्मॉल लेदरी लीव्स, नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा लाइक दैट ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म कंटेन ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। देयर इज एब्सेंस इन जिम्नोस्पर्म आर द मेन डिफरेंसेस इन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। Example of gymnosperm, pinus is one of the example of gymnosperm. Another example, cycas and thuja are the example of gymnosperm which do not produce flower. Angiosperm, angiosperm को दो भागों में विभाजित किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉटिलेडॉन्स। देर इज अ मोनोकॉट एंड डाइकॉट। इन मोनोकॉट द सीड इज मेडअप ऑफ सिंगल कॉटिलेडॉन्स एंड इन डाइकॉट द सीड इज मेडअप ऑफ टू कॉटिलेडॉन्स। इन मोनोकॉट लीव आर लॉन्ग एंड देर इज अ पैरेलल वेनेशन ऑन द लीव्स। इन डाइकॉट द लीव इज ब्रॉड एंड देर इज अ नेटवर्क टाइप ऑफ वेनेशन। इन मोनोकॉट वस्कुलर बंडल इज स्कैटर्ड एंड इन डाइकॉट वस्कुलर बंडल इन अ रिंग।
इन मोनोकॉट द फ्लोरल पार्ट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड इन डाइकॉट द फ्लोरल पार्ट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 5 मीन्स देर इज अ प्रेजेंस ऑफ 5 पेटल्स सेपल्स इट ऑल्सो नोन एज पेंटामेरस फ्लावर और इन मोनोकॉट देर इज अ ट्राइमेरस फ्लावर. Dicot root and monocot root. In dicot, the type root system is present and in monocot there is a fibrous root system. Means type root system means there is a main root and some sub roots is attached to the main root and in monocot the fibrous type of root. All roots are attached to the base of the stem. These are the main differences in dicot and monocot. दोस्तों आज इतना ही. अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो. धन्यवाद.